वैलेंटाइन डे के दिन आज सुबह दिल्ली के नारायणा इलाके में आर्चीज की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। दिल्ली में 3 दिन में आग की ये तीसरी घटना है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुनवाई चल रही है। दिल्ली का असली बॉस कौन है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन बम धमाकों के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर को दुबई में पकड़ लिया है। देश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के बाद अब दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीज तेजी से बढ़े हैं। 1 जनवरी से 10 फरवरी के बीच दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1669 मामले सामने आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के वलसाड जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में उनके साथ सोनिया और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी।